सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि आपका झारखंड का जीके टेस्ट हम लोग लेंगे, है ना, और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से लेंगे, पूरा पास और प्रोटेक्टेड टेस्ट होगा। सो उसके बारे में सबसे पहले ये पिछले बारे में जो आपको अनाउंसमेंट किए थे, जानकारी दिए थे, तो आज पूरा जानकारी दे देते हैं कि आपका टेस्ट कब होगा और आपको टेस्ट कैसे देना है। पूरा जानकारी यहाँ पे आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो देखिए, झारखंड जीके टेस्ट ही होने जा रहा है। आपको पता होगा हम लोग जेएसएससी सीजीएल का पूरा जेएसएससी झारखंड की जीके पढ़ रहे हैं, पूरा चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं, है चैप्टर वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं। उसमें से हम लोग आपको जितना पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन आएगा। आपको अपने आप को टेस्ट करने का मौका दे रहे हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छे तरीके से है। तो देखिए, ये जो टेस्ट होगा वो संडे को हो रहा है, ठीक है, संडे को, है ना, 8 बजे रात 8 बजे ये टेस्ट आपका होगा। कैसे होगा पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। झारखंड जीके टेस्ट होगा, एमसीक्यू बेस्ड ये टेस्ट होगा, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25, 25 क्वेश्चंस होंगे जिसके लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल ड्यूरेशन 30 मिनट। यहाँ पे एक्चुअली टाइमिंग लिखना था, मिस्टेक हो गया। यहाँ पे संडे रात 8 बजे, है ना, सॉरी पीएम 8 बजे, रात 8 बजे आपका ये टेस्ट होगा। कैसे देना है, क्या करना है, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपको उसमें ऐड होना है। वहाँ पे लिंक प्रोवाइड किया जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। आपको कम से कम 50 स्टूडेंट जब तक नहीं होंगे उसमें, है ना, मिनिमम, मैंने मिनिमम बोला था, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 50 स्टूडेंट्स चाहिए टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए। रात संडे तक, संडे रात 8 बजे तक आपको सबको एक्टिव रहना है और स्टूडेंट्स 50 स्टूडेंट्स ऐड करवाने हैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में। फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, अब इसके लिए आपको 1 रुपया भी कहीं पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट ये टेस्ट होगा। आपको करवाना ये है कि आपको 50 स्टूडेंट्स आपको ऐड कराने हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करिए, आप सीधा आप ज्वाइन हो जाइएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तो रात को 8 बजे आप लोग तैयार रहिए, आपकी तैयारी कितनी है अपने आपको मौका दीजिए टेस्ट करने का। और बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे तो आपको कॉम्पिटिशन करने में और मज़ा आएगा और अपने अपना लेवल आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। उसमें आपको पूरा पासवर्ड प्रोटेक्टेड टेस्ट रहेगा दोस्तों, आपको एक पासवर्ड वहाँ पे फिल करना होगा तभी आपका वो टेस्ट खुलेगा। वो पासवर्ड क्या रहेगा, वो सिर्फ लिंक पे आप क्लिक करोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। लिंक पे क्लिक करोगे आपको पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दे दिया जाएगा, पासवर्ड जैसे ही डालोगे आपका पूरा टेस्ट खुल के आ जाएगा। आपको एक एक करके आंसर करते जाना है क्वेश्चन। अगर आप नहीं जानते हैं तो आगे स्किप भी कर सकते हैं, सारा फंक्शन है। और वहाँ पे top 3 स्टूडेंट्स का जिसका नंबर ज़्यादा स्कोर करेंगे, जो सबसे टॉप रहेंगे, उसका नाम और डिटेल्स वहाँ पे आ जाएगा कि इसका ये इतना स्कोर किया है। तो इससे में आपको कंपटीशन करने में बहुत मज़ा आएगा, जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स आप जोड़ सकते हो और सब में आप जोड़िए और टेस्ट करिए संडे को। जैसे सीजीएल झारखंड की जितनी सारी एग्जाम्स होती हैं सबको बेहतर तरीके से ये आपका टेस्ट लिया जाएगा। और ये टेस्ट अगर सक्सेसफुल रहा, मतलब ज़्यादा लोग इस पे आए, तो आपको हम सप्ताह में 3 दिन टेस्ट लेंगे, सप्ताह में 3 दिन टेस्ट होगा आपका, और भी बहुत अच्छे तरीके से। आपको ना तो वीडियो देखना है ना कुछ करना है, आपको टेस्ट देना है। सिर्फ व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन हुई है, आपको टेस्ट देना है, है ना, लाइव टेस्ट, ओके, जिसे आप एग्ज़ाम हॉल में देते हो ना, वो सीबीटी टेस्ट वैसे ही आपका टेस्ट होगा मोबाइल से, ठीक है। तो चलिए, इतना है कि संडे को आप लोग तैयार रहिएगा, रात 8 बजे आपका टेस्ट हो जाएगा, जिसमें 25 क्वेश्चंस होंगे, ड्यूरेशन 30 मिनट्स और सब्जेक्ट झारखंड जीके का टेस्ट होगा। तो चलिए, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं झारखंड जीके में। झारखंड जीके क्लास डे 13 है, 13वां क्लास है आज, ठीक है, 13वां क्लास है। इसमें पहले 12 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश कैसे हुआ था, कब हुआ था, पूरा डिटेल्स आज हम लोग इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आज देखने वाले हैं। 10,000+ एमसीक्यूज होंगे, टोटल्स 15,000 पूरा झारखंड जीके का, सारे आपको कवर करवाएंगे, इम्पोर्टेंट्स जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है।
तो जैसे सीजीआर हो, चाहे एक्साइज कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेपीसी का, चाहे झारखंड पुलिस का, आने वाली जो वैकेंसियाँ हैं हमारी झारखंड पुलिस हैं, और ये जो शिक्षक है झारखंड शिक्षक बहाली, अगर आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो भी झारखंड जी के आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण साबित होती है झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। 13वां दिन का आज क्लास है झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश। सो चलिए पहला क्वेश्चन आपके लिए, झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ था? झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ था? आपके पास चार ऑप्शन हैं, ए 1764 ईस्वी, 1765 ईस्वी, 1767 ईस्वी, 1769 ईस्वी। दीज आर योर फोर ऑप्शन, बताइए इसका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान तो है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने बहुत इस क्वेश्चन को बहुत सारे एग्जाम्स में भी आप देखे होंगे, बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन। झारखंड में पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ था? अंग्रेज पहली बार झारखंड में कब आए थे? सो डू कमेंट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। चलते हैं, इसका आंसर आप बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर टू, मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया? बताइए मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कब आधिपत्य स्थापित किया था? ए 1750 ईस्वी, 1760 ईस्वी, सी 1780 ईस्वी, या डी 1779 ईस्वी, बताइए। सो आपका सही आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी 1760 ईस्वी। 1760 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था, कहाँ? मिदनापुर क्षेत्र में। और झारखंड, यह जो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था कि झारखंड में पहली बार अंग्रेज प्रवेश कब हुए थे, वो तो इसका आंसर आपको बताना है लेकिन कहाँ से हुए थे, अगर ये भी बता दोगे तो और अच्छा रहेगा। किस जगह से वो प्रवेश किए थे कमेंट में अगर बता दोगे तो और ही बहुत ज़बरदस्त रह जाएगा, आपका दो क्वेश्चन वहीं कम्प्लीट हो जाएगा। दोनों का बताइए, एक उसमें और ऐड कर दीजिएगा ईस्वी भी, कब वो प्रवेश किए थे और किधर से प्रवेश किए थे वो क्षेत्र भी बता दीजिएगा, तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है कि अंग्रेज़ ने किस वर्ष फर्गूसन को सिंहभूम पर आक्रमण के लिए भेजा था? बताइए अंग्रेज़ ने किस वर्ष फर्गूसन को सिंहभूम पर आक्रमण के लिए भेजा था? सो गाइस आपका सही आंसर हो जाएगा 1767 ईस्वी, 1767 ईस्वी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। ढाल विद्रोह किस वर्ष किया गया? ढाल विद्रोह किस वर्ष किया गया? और आपको बता दें कि ये झारखंड का प्रवेश हम लोग पढ़ रहे हैं, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश, अगला बार से झारखंड का विद्रोह हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ने जाएंगे झारखंड का विद्रोह, है ना, झारखंड का विद्रोह पढ़ने जा रहे हैं। जितने भी सारे विद्रोह हुए झारखंड में सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन बताइए फोर नंबर, ढाल विद्रोह किस वर्ष किया गया था? सो गाइस आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1767 ईस्वी, 1767 ईस्वी इसका भी आंसर, 1767। ढाल विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? तो 1767 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर फाइव, निम्न में से किसके नेतृत्व में ढालों ने अंग्रेज के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया था? ढालों ने, है ना, अंग्रेज के विरुद्ध किसके नेतृत्व में किया था, है ना, उनको लीड कौन किया था, ढालों को लीड कौन किया था? तो गाइस थे जगन्नाथ ढाल, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कौन थे गाइस? जगन्नाथ ढाल, है ना, इनके नेतृत्व में ढालों ने अंग्रेजों के विरुद्ध ढाल विद्रोह किया था। ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है कि 1768 ईस्वी में ढाल भूम क्षेत्र में अंग्रेजों ने इनमें से किसके नेतृत्व में जगन्नाथ ढाल को पकड़ने का सफल प्रयास किया था? जगन्नाथ ढाल को पकड़ने के लिए, है ना, अंग्रेजों ने 1768 ईस्वी में प्रयास किया था, 1768 ईस्वी में ढाल क्षेत्र में अंग्रेजों ने इनमें से किसके नेतृत्व में, उनका लीड कौन कर रहा था, उनके टीम को कौन लीड कर रहा था, वो किन, है ना, किनके लीड के सहायता से
उन्होंने एक असफल प्रयास किया था, पकड़ तो नहीं पाए थे, है ना, जगन्नाथ ढाल को पकड़ना चाह रहे थे 1768 ईस्वी में। तो वो अंग्रेजों की टीम को कौन लीड कर रहे थे? ए ऑप्शन नंबर ए ले कैमैक, ले स्टीवंस, ले रूक, इनमें से कोई नहीं। बताइए बताइए गाइस। सो वो थे ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, ले रूक। उनका टीम का नेतृत्व कौन कर रहा था? ले रूक। नाम ले याद रखिएगा, थोड़ा सा टफ नाम है, याद करना मुश्किल होगा लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, ले रूक। ठीक है, सो 1767 ईस्वी में है ना, अंग्रेजों के जो टीम को लीड कर रहे थे ले रूक, वो जगन्नाथ ढाल को पकड़ना चाहते थे लेकिन पकड़ नहीं पाए थे। ठीक है, जब ढालभूम क्षेत्र के जब राजा बनाए गए थे कौन? जगन्नाथ ढाल, तो अंग्रेजों को 4,000 रुपये सालाना वो कर देते थे। कितना देते थे गाइस? 4,000 रुपये। कितना? 4,000 रुपये वो कर देने के लिए स्वीकार किए थे अंग्रेजों को कौन? जगन्नाथ ढाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है? अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल के स्थान पर इनमें से किसे ढालभूम का राजा घोषित किया था? उनके बाद जगन्नाथ ढाल के बाद स्थान पर है ना, जब वो नहीं रहे वहाँ का राजा, तो उनके बाद अंग्रेजों ने किसे ढालभूम का राजा बनाया, किसे घोषित किया? विश्वनाथ ढाल को, नीमू ढाल को, रीता ढाल को, केदारनाथ ढाल को? बताइए। तो उनके बाद जगन्नाथ ढाल के बाद ढालभूम क्षेत्र का जो राजा बना वो नीमू ढाल थे, नीमू ढाल। क्या नाम था उसका? नीमू ढाल। किनके द्वारा बनाए गए थे? अंग्रेजों के द्वारा, अंग्रेजों ने इसका घोषणा किया था। ओके गाइस, उसके बाद एक बार फिर नीमू ढाल के बनाने के बाद अंग्रेजों ने एक बार फिर जगन्नाथ ढाल को फिर से राजा बना दिया ढालभूम क्षेत्र का, है ना। और वो कब बनाए थे? 1777 ईस्वी में एक बार फिर से अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को ढालभूम क्षेत्र का राजा घोषित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर एट क्या है कि ले रूक कने किस वर्ष ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था? बताइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन का लेवल देख सकते हो, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं गाइस। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ले रूक कने ने किस वर्ष ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान किया था? 1767 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1773 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1777, 1783। बताइए। सो गाइस, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1783 ईस्वी, 1783 उन्होंने सैनिक अभियान किया था। कौन? ले रूक कने ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन पढ़िए एक बार। 1800 ईस्वी में ढालभूम का वार्षिक कर कितने रुपए तय किया गया था? यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत, वार्षिक कर है ना, कितने रुपए तय किया गया था 1800 ईस्वी में ढालभूम का? अंग्रेजों ने कितना तय किया था है ना, 4,267 रुपये का तय किया था। कितना गया था गाइस? याद रखिएगा, 4,267 रुपये। कब? 1800 ईस्वी में अंग्रेजों ने ढालभूम का वार्षिक मतलब सालाना जो कर था, टैक्स था, वो कितना तय किया गया था? 4,267 रुपये। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर टेन क्या है? क्वेश्चन नंबर टेन है, 1773 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने कंपनी के व्यापारिक लाभ हेतु पोरहट के राजा से एक समझौता किया था कि पोरहट का राजा कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा? 1773 ईस्वी में, फिर से क्वेश्चन पूछते हैं, 1773 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने कंपनी के व्यापारिक लाभ के लिए है ना, व्यापारिक लाभ के लिए पोरहट के राजा से एक समझौता किया था कि पोरहट का राजा कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में शरण नहीं देगा, है ना। जो कंपनी का जो अंग्रेज का अधिकारी था 1773 ईस्वी में, तो वहाँ के जो पोरहट के राजा थे उनसे उन्होंने
एक समझौता किया था कि व्यापारिक लाभ के लिए कि पोरा जो कंपनी क्षेत्र के व्यापारियों को अपने राज्य में वो शरण नहीं देगा, है ना। वो कौन थे, वो अंग्रेज के अधिकारी कौन थे, उसका नाम बताना है। 1773 ईस्वी में जब पोरहट के राजा से समझौता किए थे, उस समय पोरहट के राजा कौन थे, जगन्नाथ सिंह। कौन थे गाइस, जगन्नाथ सिंह, लिख देते हैं यहाँ पे। उस समय कौन थे, जगन्नाथ सिंह, याद करिएगा, लिख लीजिएगा। 1773 ईस्वी की बात हो रही है। 1773 ईस्वी में उस समय पोरहट के राजा कौन थे, जगन्नाथ सिंह। तो जगन्नाथ सिंह से उन्होंने समझौता किया था के, उसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, के फॉर 20। नाम क्या था उसका, के फॉर 20, के फॉर 20, के फॉर 20। इन्होंने जगन्नाथ सिंह से समझौता किया था कि हमारे व्यापारिक लाभ के लिए जो यहाँ के कंपनी कंपनी क्षेत्र के जो व्यापारी हैं वो अपने राज्य में शरण नहीं देंगे। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि इनमें से किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र को कंपनी के नियंत्रण में लाने का निर्णय किया, है ना। कौन से युद्ध के बाद, कौन सा युद्ध हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, है ना। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, इनमें से किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सिंहभूम क्षेत्र को कंपनी के नियंत्रण में कंट्रोल में लाने का निर्णय किया था, है ना। और चौथा है डी, बक्सर का युद्ध। तो ये गाइस, ये कौन सा युद्ध था, कौन से युद्ध के बाद, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि इनमें से किसके द्वारा सरायकेला राजा की स्थापना की गई थी। सरायकेला राजा राज्य, सरायकेला राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई। ए विक्रम सिंह, बी अर्जुन सिंह, सी ज्वाला सिंह, डी गंगा सिंह, है ना। सो गाइस, सरायकेला राज्य का स्थापना किसके द्वारा किया गया, विक्रम सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, विक्रम सिंह के द्वारा किया गया, किसके द्वारा, विक्रम सिंह के द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। किस वर्ष अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच रोरो नदी के तट पर युद्ध किया गया था। किस वर्ष अंग्रेज सेना, अंग्रेज के सैनिक और हो जनजाति के लोग, हो जनजाति के बीच में एक युद्ध हुआ था रोरो नदी के तट पे, वो कब हुआ था बताइए। सो गाइस, वो 1820 में किया गया था, ऑप्शन नंबर में है, हाँ ऑप्शन नंबर बी में, 1820 में किया गया था। ओके, 1820 में हुआ था रोरो नदी के तट पे, किन किन के बीच में, अंग्रेजी सेना और जनजाति, हो जनजाति के बीच में। ओके, उस समय अंग्रेज की तरफ से जो लीड कर रहे थे, है ना, उस समय वो कौन थे, उसका नाम था मे रफसेज। तो नाम टफ होगा याद करने के लिए, मे रफसेज, है ना। अंग्रेजों को जो लीड कर रहे थे उस वक्त 1820 ईस्वी में, है ना, हो जनजाति से लड़ाई करने के लिए अंग्रेजों को जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे मे रफसेज, मे रफसेज उसका नाम था। ओके ये लड़ाई हुआ था कब, 1820 में। लड़ाई लड़ते लड़ते 1821 में, वो 1821 में हो जनजातियों को विवश कर दिया था, कौन, अंग्रेजों ने 1821 में वो हो जनजाति के क्षेत्र में प्रवेश कर गए, है ना, और विवश कर दिए थे अपने अधीनता के, है ना, अधीन बना लिए थे किनको, हो जनजाति के लोगों को अधीनता स्वीकार करने पे मजबूर कर दिया था अंग्रेजों ने, कब, 1821 में। 1820 में तो लड़ाई हुआ था दोनों के बीच में, तब से लड़ाई होता स्टार्ट हो चुका था हो जनजाति और अंग्रेजी सेना के बीच में, लेकिन लड़ाई होते होते 1821 में वो समय आया जब हो जनजाति के लोगों को विवश होना पड़ा अंग्रेजों के अधीनता स्वीकार करने के लिए। ओके चलिए, इसको भी याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
14 के और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया था। बताइए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। किस वर्ष कोल्हान क्षेत्र को एक प्रशासनिक इकाई बनाकर, प्रशासनिक यूनिट बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया था? तो ये 1837 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में अंग्रेजी अधिकारी के अधीन कर दिया गया था। किनको? कोल्हान क्षेत्र को प्रशासनिक इकाई बनाकर। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि ब्रिटिश शासनकाल में संयुक्त बिहार, जब बिहार और झारखंड एक था, है ना, झारखंड विभाजन से पूर्व, झारखंड जब अलग नहीं हुआ था तब के क्वेश्चन, है ना, ब्रिटिश शासनकाल में संयुक्त बिहार में इनमें से कौन सी दो रियासतें थी? तब झारखंड का अस्तित्व नहीं था, है ना, अस्तित्व था मतलब झारखंड अलग नहीं हुआ था, संयुक्त बिहार था, झारखंड और बिहार एक थे झारखंड विभाजन के पूर्व, उनमें से कौन सी दो रियासतें थी? ए सिंहभूम और कोल्हान, बी सरायकेला व खरसावा, रोहतास व पटना, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो झारखंड की दो रियासतें उस वक्त भी थी संयुक्त बिहार के समय, वो कौन थी? तो वो सरायकेला और खरसावा, सरायकेला और खरसावा, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, सरायकेला व खरसावा, खरसावा, ठीक है। ब्रिटिश शासनकाल में संयुक्त बिहार में इनमें से कौन सी दो रियासतें थी? तो वो रियासतें थी सरायकेला व खरसावा। ओके गाइस, सरायकेला की स्थापना किसने की है? सरायकेला रियासता की, रियासत की, है ना, किस वंश के लोग किए थे, है ना, ये तो सिक्रम, इसका जो संस्थापक कौन था, विक्रम सिंह, अभी पिछला क्वेश्चन आपका आया था, ये विक्रम सिंह ने बनाया था, सॉरी स्थापना किया था, किसका? सरायकेला का, राज्य का, है ना। किस वंश में रियासत है की स्थापना की गई थी? तो वो सिंह वंश के, किस वंश के समय? सिंह वंश के, ठीक है, सिंह वंश के समय सरायकेला रियासत की स्थापना की गई थी, रियासत की स्थापना की गई थी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? अंग्रेजों ने किस वर्ष सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की, है ना, अंग्रेजों ने किस वर्ष सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान की थी, है ना। तो वो कब किया? 1800 ईस्वी में किया था। कब किया था गाइस? 1800 ईस्वी में। ओके, 1800 ईस्वी में अंग्रेजों ने सरायकेला को रियासत के रूप में मान्यता प्रदान किया था, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, चेतमा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई थी जब झारखंड में अंग्रेज प्रवेश कर रहे थे उस वक्त का, है ना। तो चेतमा की लड़ाई किस वर्ष की गई थी? बताइए, तो ये 1770 ईस्वी में किया गया था। कब? 1770 ईस्वी में। ओके, और चेतमा की लड़ाई जो लड़ी गई थी वो किनके किनके बीच में? तो जयनाथ सिंह थे और उसका नाम था एक जय कृष्ण राय, इन दोनों के बीच में चेतमा की लड़ाई हुई थी। कौन कौन राजा थे? जयनाथ सिंह, नाम याद करिए, जयनाथ सिंह और क्या नाम था, जय कृष्ण राय, इन दोनों के बीच में चेतमा की लड़ाई लड़ी गई थी। तो जयनाथ सिंह ने जय कृष्ण राय को पराजित करने के लिए चित्रजीत राय को से सहयोग लिया था। कौन? जयनाथ सिंह ने किससे सहयोग लिया था? चित्रजीत राय से उन्होंने सहयोग मांगा था। इनके सहयोग से जय कृष्ण राय की हत्या की गई, है ना। उसके बाद पलामू किले पे उन्होंने अपना स्वीकार अधिकार जमा लिया। कौन? जयनाथ सिंह ने। वो चेतमा की लड़ाई ही लड़ी गई थी। वो लड़ाई का नाम क्या था? चेतमा की लड़ाई। वो चेतमा की लड़ाई लड़ने के बाद क्या नाम है, जय कृष्ण राय को पराजित करने के बाद पलामू किले को अपने अधिकार में ले लिया था। कौन? जयनाथ सिंह ने। कब लड़ा गया था? 1770 ईस्वी में। ओके, चलिए
क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि 1771 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी ने पलामू के राजा चित्रजीत राय को पराजित कर पलामू पर अधिकार कर लिया। ठीक है, बताइए। चेतमा की लड़ाई के बाद जो चित्रजीत राय थे, है ना, चित्रजीत राय को शासक बना गया था पलामू का राजा। ठीक है, चित्रजीत राय को पलामू का राजा बना दिया था। कब? जब चेतमा की लड़ाई हुई थी 1777 ईस्वी में, है ना। तो जयनाथ सिंह ने उन्हें सहयोग किया, मदद के लिए बुलाया था जयकृष्ण राय को मारने के लिए, हत्या करने के लिए। ठीक है, और उन्होंने बोला था जयनाथ सिंह ने कि अगर ये आप मेरी मदद करोगे और उन्हें हराने में मतलब पराजित करोगे तो आपको पलामू का राजा बना दिया जाएगा। राजा बनाने के बाद वो खुद जो जयनाथ सिंह थे उसे दीवान बनाया गया था। कहाँ का? पलामू का दीवान बन गए थे वो। और राजा कौन बना था? राजा बना था चित्रजीत राय ने। ठीक है, किसे हराया था उन दोनों ने? जयकृष्ण राय को। ठीक है, तो जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय दोनों मिलकर पलामू के जो राजा थे जयकृष्ण राय को मारा था, हत्या कर दिया था, फिर पलामू के किले पे अपना अधिकार जमाया। उसके बाद चित्रजीत राय को पलामू का राजा घोषित किया गया और जयनाथ सिंह खुद दीवान बन गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 1771 ईस्वी में अंग्रेज के अधिकारी ने पलामू के राजा चित्रजीत राय को पराजित कर दिया, फिर पलामू पर अधिकार कर लिया। उसके बाद 1771 ईस्वी में यही हुआ था, उसके बाद हुआ था। ठीक है, तो वो कौन थे, वो कौन से अधिकारी थे, बताइए। तो गाइस वो थे केमक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केमक। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, केमक नाम था उसका, अंग्रेज के अधिकारी का नाम क्या था? केमक। 1771 ईस्वी में पलामू के राजा चित्रजीत राय को पराजित किया और पलामू पर अपना अधिकार जमा लिया। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। 1772 ईस्वी में चेरो राजा जयनाथ सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी को युद्ध में पराजित कर दिया था? फिर 1772 ईस्वी में जो चेरो राजा थे जयनाथ सिंह ने, है ना, उसे एक अंग्रेजी अधिकार को युद्ध में पराजित कर दिया था। वो अधिकारी कौन थे, अंग्रेज कौन था? टॉम स्कॉट। नाम क्या था उसका गाइस? टॉम स्कॉट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, टॉम स्कॉट को उन्होंने हराया था। ठीक है, जयनाथ सिंह ने, कब? 1772 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। UPI transaction of ₹890 has been completed successfully. क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 के झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था, बताइए। झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक पूरा कौन था? चार्ल्स नेपियर, रॉबर्ट ब्राउन, चैपमैन, थॉमस विल्किंसन, बताइए। सो गाइस इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, चैपमैन। चैपमैन कौन थे? झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक बनाया गया था उन्हें, चैपमैन का नाम क्या था उसका? चैपमैन। ओके, तो चलिए। सो गाइस थैंक यू, आज की सारी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गई है। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश के जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे सारे मैंने आपको करा दिए। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, आपको नेक्स्ट क्लास में देखने को मिलेगा। झारखंड का विद्रोह पढ़ेंगे, ठीक है, झारखंड का विद्रोह पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पहला ढाल विद्रोह। झारखंड में जितने भी जनजातियाँ विद्रोह किया गया था उसके सारे एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पहला होगा ढाल विद्रोह, ठीक है, उसमें आपको दो विद्रोह पढ़ाएंगे पहला दिन में, ढाल विद्रोह और चुहार विद्रोह, ये दो विद्रोह पढ़ाएंगे झारखंड के विद्रोह में, ठीक है। तो थैंक यू, और आपको टेस्ट देना है, नहीं बोले, टेस्ट देना है आपको कब? संडे को रात 8 बजे आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में। इसका वीडियो यूट्यूब पे नहीं आएगा, वो टेस्ट यूट्यूब पे नहीं आएगा, वो आपको वेबसाइट पे होगा, आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। लिंक के माध्यम से जैसे आप एग्ज़ाम अगर दिए होंगे किसी भी
गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी दिए होंगे ऑनलाइन, उसी तरीके से होगा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड टेस्ट होगा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड। उसमें आपको एक पासवर्ड दे दिया जाएगा कि आप जो टेस्ट खोलोगे पासवर्ड इंटर करना है और वो आपका टेस्ट खुल जाएगा। 25 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट का समय होगा। 30 मिनट में अगर आप सबमिट कर पाते नहीं तो ऑटोमेटिकली वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, आपको करना कुछ नहीं है, एक रुपया पे नहीं करना, आप सबको सिर्फ कम्युनिटी ग्रुप में लोगों को जोड़ना है। जब तक आप 50 स्टूडेंट्स नहीं होंगे ये टेस्ट कंडक्ट होगा ही नहीं, तो आपको 50 स्टूडेंट्स मात्र ऐड करवाना, आप मिनिमम 50, बाकी कितने भी होंगे चलेगा। ओके, धन्यवाद। तो तैयार रहिएगा। जय हिंद, जय जोहार।